हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जर्नल। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप CSEET के स्टूडेंट हो, मई 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हो, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आ रहा है। दो डाउट वाली वीडियो बनाने के बाद भी ये डाउट कब आया? जब आपके इंस्ट्रक्शन इशू की ICSI ने कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसके बाद ये डाउट आ रहा है। थोड़े थोड़े डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना, और वीडियो आपको पसंद आए लाइक करके ज़रूर से जाना। पहला आपका एडमिट कार्ड और टाइमिंग के बारे में बता रखा है। देखो, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। ICSE आपको एडमिट कार्ड सेंड नहीं करने वाली है आपके घर पे। आपको डाउनलोड करोगे, आप उसका प्रिंट निकलवाना, चाहे आप कलर में निकलवाओ या ब्लैक एंड वाइट में निकलवाओ, ठीक है। टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड में लिखी होगी, सभी स्टूडेंट की सेम टाइमिंग नहीं होगी। आपका एग्ज़ाम 6 तारीख को है तो 6 तारीख को आपके सबके अलग अलग टाइमिंग होगी, ठीक है। अब चलते हैं पासिंग परसेंटेज के बारे में पूछ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। मैं आपको बताऊँ, देखो आपको इंडिविजुअली 40% मार्क्स चाहिए हर पेपर में, और एग्रीगेट मिला के 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर दोनों क्राइटेरिया पूरा होगा तो आप पास, नहीं तो आप फेल माने जाओगे। अब तीसरा स्टूडेंट पूछ रहे हैं गवर्नमेंट ID के बारे में। देखो, गवर्नमेंट ID क्या होती है, आपको क्या क्या रखना है अपने साथ? या तो आपके पास वोटर ID हो, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये सारे गवर्नमेंट ID के अंदर रहती है। आप इसको अपने पास रख सकते हो। अच्छा, एक था एक, मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ। देखो, जैसे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो, उससे 15 मिनट आप पहले आ जाना, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद आओगे ना तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। ICSI के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपको लॉगिन करना है, तो 15 मिनट के बाद लॉगिन नहीं कर पाओगे आप। ये वाला पैरा पढ़ना 6 नंबर का, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप 15 मिनट के बाद आओगे तो लॉगिन नहीं होगा। वैसे भी ऑनलाइन में बहुत दिक्कत आती है, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एग्ज़ाम देना है। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो नियरेस्ट साइबर कैफ़े में जाना, वहाँ पर पहले ही बात कर लेना कि हमको एग्ज़ाम देना है। उसमें से भी लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। मैं डाउनलोड करना बता दूंगा। देखो, मैं CS का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई रजिस्टर नंबर नहीं है अभी हाल फिलहाल। तो अगर आप चाहते हो डाउनलोड कैसे करते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो, प्राइवेट रहेगी आपकी इन्फॉर्मेशन। तो मैं डाउनलोड करना भी बता दूंगा वो स्टूडेंट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम ICSI न्यूज़ है, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट करना, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, एक बोनस पॉइंट बताता हूँ आपको। देखो, आपका रिज़ल्ट कब आने वाला है? आपका एग्ज़ाम 6 तारीख को है ना, आपका रिज़ल्ट 17 तारीख तक आ जाएगा। 17 से 18 तारीख तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, दोपहर 4 बजे तक। जब भी रिज़ल्ट की कोई भी अपडेट्स, अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी, आपको हमारा ही चैनल है वो सबसे पहले बताएगा। तो अभी तक चैनल पर नहीं हो, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को डाउनलोड करने की वीडियो नहीं देखी, एंड स्क्रीन पे है। एडमिट कार्ड की वीडियो नहीं देखी, वो भी एंड स्क्रीन पे है। सारी वीडियो देख के जरूर जाना। आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।